आज हम लोग ऑब्जेक्ट क्या रहता है ना वो देखेंगे। मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में देखोगे ना तो बहुत सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना इनको यूज करके हम लोग उनके अंदर जो भी मेथड्स है उनको यूज कर सकते हैं। मैथ्स रिलेटेड अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, मैथ्स के जितने मेथड है वो मैं यूज करूँगा। ऑब्जेक्ट यूज करूंगा स्ट्रिंग रिलेटेड जितने फंक्शन है ना वो मैं यूज कर पाऊंगा। ऑब्जेक्ट पहली बात तो क्या होता है वो देखते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है अगर मैंने यूज किया फंक्शंस को कैसे कॉल कर सकते हैं या उसके प्रॉपर्टीज को कैसे कॉल, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या रहता है फंक्शन क्या रहता है ये हम लोग देखेंगे। इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस ऑफ क्लास को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब समझो अगर मैंने कोई एक डिजाइन बनाया उसका ही एक्चुअल जो चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा क्या रहता है, बनाने से फायदा क्या रहता है, तो जो भी हम लोग ने डिजाइन बनाया था उसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि इंजन ऐसे चलता है, इंजन चलेगा क्या डिजाइन में, एक्चुअल में कहाँ पे चलेगा इंजन, जब एक्चुअल चीज बनाएंगे तभी, सही कि नहीं। डिजाइन में हमने लिखा रहेगा ऐसे चलना चाहिए, सही कि नहीं, पर डिजाइन में चलेगा क्या, चलेगा कब, वो जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब, सही कि नहीं। उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि ये जो मैं कार बनाने वाला है इसका हाइट इतना रहेगा, विड्थ इतना रहेगा, कलर ये रहेगा, उसका साइज ये रहेगा, एसी सीट रहेगा वो ऐसा रहेगा, ये लिखूंगा ना मैं डिजाइन में बनाऊंगा, रहेगा क्या एक्चुअल में आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तब, है कि नहीं। तो जो भी फंक्शंस है या जो भी वेरिएबल्स है प्रॉपर्टीज को तो अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए मुझे, ना ऑब्जेक्ट के मैं कॉल कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। ना ऑब्जेक्ट के ना ही मैं फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, ना ही उसके उसके प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकता हूँ। चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कॉल करना है तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बिना मैं ना ही फंक्शंस को कॉल, वेरिएबल्स को कॉल कर सकता। एग्जाम्पल अगर सिंपल लोगे तो तुम लोग अगर देखोगे तो किसके ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन बींग के ऑब्जेक्ट हो ना। हाइट किसको है, तो एक वेट है, तो एक कलर है, सांस लेते हो, देखते हो, देखना क्या हो गया, देखना एक काम है ना, जो भी काम है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन, जो भी काम है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन, जो भी काम है उसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं। तो भी ऐसा चीज है जिसको वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी, नहीं तो वेरिएबल। ये ऐसा चीज है जिसको वैल्यू है तो हम क्या बोलेंगे प्रॉपर्टी, नहीं तो वेरिएबल। क्या एक ऑब्जेक्ट के पास दो ही चीज होगा, ऑब्जेक्ट के पास दो ही चीज होगा, क्या होगा वेरिएबल और फंक्शन, क्या होगा प्रॉपर्टी और फंक्शन बोलो, वेरिएबल या फंक्शन या प्रॉपर्टी बोलो, हर एक ऑब्जेक्ट के पास यही दो चीज होगा, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। ऐसे समझता है कि कोई चीज प्रॉपर्टी है, कोई चीज जिसको वैल्यू रहता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको वैल्यू रहता है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी। लेंथ करके तुम लोग ने देखा था, लेंथ यूज किया था, लेंथ को वैल्यू रहता है ना, लेंथ क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी। मेरा हाइट क्या हो जाएगा, मेरा वेट क्या हो जाएगा, मेरा कलर क्या हो जाएगा, कलर को वैल्यू है, बाल है क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको वैल्यू है। सांस लेना क्या हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि वो उसको वैल्यू है क्या, नहीं वो काम है, काम है। समझ में आया क्या, कैसे समझता है कि कोई फंक्शन है, कैसे कोई चीज, उसके आगे क्या आता है, उसके आगे क्या आता है राउंडेड ब्रैकेट आता है, क्या आता है उसके आगे राउंडेड ब्रैकेट। फंक्शन के आगे हमेशा क्या रहेगा, राउंडेड ब्रैकेट रहेगा ही रहेगा। क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ऑब्जेक्ट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम और आईडी। हर एक ऑब्जेक्ट के पास क्या रहेगा, एक नाम रहेगा, क्या रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट के पास। जैसे मेरे को यूनिकली क्या आइडेंटिफाई करता है, मेरा नाम। क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, हमारा नाम। कॉलेज में मगर तुमको क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, हमारा आई कार्ड नंबर या आईडी नंबर, सही कि नहीं। कंपनी में तुम्हें यूनिकली क्या आइडेंटिफाई करता है, हमारा आईडी नंबर। बैंक में तुम्हें क्या यूनिकली आइडेंटिफाई करता है,